हम किरमानी साहब को खुशामदेद कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वेलकम करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बहुत खुश थे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ज्वाइन किया। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था दिया मैनेज करने के लिए। एक दिन पहले उन्होंने मुझे मज़ीद प्रेशर डाला, रिक्वेस्ट की, और बड़े शौक के साथ मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं, खुश आमदीद। और अगर कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता तो जहाँ पे 4-5 हज़ार आदम था, मैं समझता हूँ कि 20-25 हज़ार हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरी शमूलियत के बाद बिल्कुल एक रिपल इफ़ेक्ट शुरू है, सिर्फ ज़िला जेलम में नहीं, ज़िला गुजरात में, गुजरहान में, आज़ाद कश्मीर में और खुशाब में। मुझे बहुत ज़्यादा दावत भी थी, इन्विटेशंस भी थी, मुख्तलिफ जो PMLN के लीडर्स हैं उनकी एक रिक्वेस्ट भी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा एक नेचुरल फिट पीपल्स पार्टी की तरफ था। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जवान हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आजिज़ हैं, मुस्तकिल मिजाज हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के, वो चीज़ें मुझे किसी और लीडर में नज़र नहीं आई, लिहाजा मैंने कहा कि जी मुझे उस पार्टी के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए, कायम करना चाहिए, जहाँ पे लीडरशिप के अंदर इस तरह का करिश्मा हो और मुस्तकिल मिजाजी हो। मेरे अबाउजदा एक रूहानी शख्सियत थे, मुख्तलिफ जमातों से मुख्तलिफ लीडर्स उनके साथ अपने मामलात ज़ाती रूहानी डिस्कस किया करते थे, और आज भी ऐसे ही है कि PMLN हो जाए, PMLQ हो जाए, या PTI के जो आज मिनिस्टर्स हैं, या उनके साथ उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रابطہ मेरा है और मेरे हमदर्द हैं और मेरा हया रखते हैं। कुरैशी साहब, हमाद अज़हर, शफकत महमूद, ये मोजेस हैं, अच्छे ताल्लुक़ हैं, और इनके साथ मेरा ताल्लुक़ PTI की वजह से नहीं था, और बेशक हुसन इत्तेफाक था कि हम एक ही जमात में थे। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो ये हदूद नहीं देखते पार्टीज़ की, ये ऐसे बैरियर्स नहीं देखते।